प्रकृति ने सौंदर्य बरसाया, खुले आसमान में खेलते रंग जो पानी में झलक आते हैं, खेतों की हरियाली, पेड़ों के साए, शाखों की बनावट, पक्षियों की उड़ान जो उभर आती है वास्तुकला में, चित्रकार की कला में, हाथ से काढ़े गए दुशाले में और लंबे सफर के बाद तैयार हुए कालीन में, जिसके सीमित लंबाई चौड़ाई में कई बार आसमान सा खुलापन सिमट आता है। जो भवन के भीतर होते हुए भी बाहर का एहसास देता है। बरसों से चल रहे कालीन कहीं कहीं तो खानदान की निशानी बन जाते हैं और कहीं आज की तारीख में साल भर बाद नए आ जाते हैं। दूर दराज के इलाकों को पिरोता धागा, मरुभूमि से आया ऊन का रेशा और गांव में बैठे बुनकरों की उंगलियों से बने टपकों से होती है कालीन की शुरुआत। एक सुंदर कालीन लंबी तैयारी और परिकल्पना के बाद ही बन पाता है। पहले छोटे कागज पर डिजाइन बनाकर उसे कालीन के पैमाने के बराबर ग्राफ पेपर पर उतार लिया जाता है। यह एक रूपरेखा ही नहीं बल्कि ऐसा मानचित्र है जिसे लक्ष्य मानकर ही तैयारी का सिलसिला आगे बढ़ता है। रंग के आभाभेद, रेशे के नोट, बुनावट, ताने वाने का आकार, गांठों यानी कि टपकों की गिनती सब यही तय होता है। चुनौती यही है कि माल व हस्तशिल्प में ऐसे गुण हो जो इस कल्पना को साकार कर सकें। आजकल डिजाइन का यह काम कंप्यूटर पर भी हो रहा है। सामान में सबसे पहले आवश्यक है ऊन, जिसका स्रोत भेड़ के तन पर उगे हुए बाल है। भेड़ के नहलाने व बाल पूरी तरह सूख जाने के बाद ही उसे मुंडन के लिए लाया जाता है। पैरों से शुरू कर नुकीली कैंची द्वारा पूरे शरीर के बाल उतार लिए जाते हैं। बालों की छटाई कर इन्हें रंग के अनुसार अलग अलग ढेरों में बांट दिया जाता है। बाल की मूल आभा पर ही निर्भर है कि बाद में उस पर कौन सा दूसरा रंग चढ़ पाएगा। इसके बाद अलग अलग क्वालिटी के अनुसार इसकी पैकिंग की जाती है। पहले ऊन की सफाई, धुनाई व कताई का काम हाथ के जरिए से ही किया जाता था, जिसका प्रचलन वर्तमान में भी जारी है। मुंडन के बाद कार्डिंग या धुनाई, उलझे हुए रेशों का सुलझाना, तरती व सीग बिठाना, रेशों के टेक्सचर या गठन, उसकी चमक और मजबूती अब तय हो जाती है। मशीन से निकलती रेशों की पतली तह गिल बॉक्स में आती है, फिर शुरू होती है कताई। रेशों को एक तार में मिलाया जाता है, मानो 6 रेशों को लिया गया व बटकर बनी एक लट। लट गुथी गई लट से बना एक सूत, सूत मिला सूत से बना एक तागा, लड़ी में यू हुआ एका, तागा है निकला होकर पक्का। इसके बाद होती है सफाई। यान में धूल मिट्टी या जो भी अनावश्यक तत्व लिपटे होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। निचुड़ा हुआ साफ सुथरा तागा अब बाहर आता है। इस तागे की कई तरह से जांच पड़ताल की जाती है ताकि वह डिजाइन के समय तय किए गए मापदंड पर खरा उतरे। अब तागा रंगाई के लिए तैयार है, पर यह निर्भर करेगा रंग खाने के निर्देश पर। यहाँ रंगने के पूर्व और उसके पश्चात दोनों ही तरह के नमूने व जानकारी रजिस्टर या कैटलॉग में दर्ज की जाती है। डिजाइन के मुताबिक जब भी किसी रंग की जरूरत होती है
तब सबसे पहले उसे इस सूची में ढूंढा जाता है। उपलब्ध है तो गोदाम से तुरंत मंगवाई जा सकती है, वरना रसायन शाला में प्रयोग की सुविधा है। यहाँ पर पहले देखा जाता है कि पूर्व रिकॉर्ड में कहीं रंग के तत्वों का विवरण मौजूद है या नहीं। उपलब्ध न होने पर रंग तैयार किया जाता है। तत्वों को घोलकर, मिलाकर, पकाकर कम या ज्यादा उसे निश्चित किया जाता है। खौलते रंग में थोड़े से यान को भिगोकर सही आभा तक पहुंचाने के एक नहीं अनेक प्रयास किए जाते हैं। सफलता मिलने के उपरांत रंग या रंगों की आवश्यक मात्रा मालूम हो जाती है और अब लच्छियों की रंगाई का काम शुरू हो सकता है। रंगाई पारंपरिक व आधुनिक दोनों तरीकों से की जाती है। यान को तोला जाता है ताकि रंग और उसकी मात्रा का सही अनुपात बना रहे। विभिन्न चैम्बरों में इसे रखा जाता है। रंग में रंगने के बाद इसे निचोड़ा जाता है। पानी निचोड़ने के बाद हॉट चैम्बर में सूखने के लिए लटकाया जाता है। फिर पुनः वजन लिया जाता है ताकि मालूम रहे कि रंगने के बाद वजन में क्या परिवर्तन आया है। इसके बाद होता है कलर फास्टनेस, वॉशिंग फास्टनेस और रबिंग फास्टनेस टेस्ट। अब बुनकर यान के बड़े बड़े पोलों को अपने हिसाब से खोलते हैं, कभी ऐसी चरखियों पर तो कभी तागों पर लपेटकर। कालीन के ऊन के साथ साथ कॉटन यान का भी इस्तेमाल होता है, इन्हीं से ताना बाना बनता है। पर्शियन कारपेट के लिए वेस्ट कॉटन यान से बनती है ठर्री। कालीन की चौड़ाई के अनुकूल छोटी छोटी ठर्रियां बनाई जाती हैं। यह पतली इसलिए होती है ताकि बाने के बीच से गुजर सके, इस पर महीन टपकों की पायल चढ़ सके। लच्छियां भी इसी तरह बनाई जाती हैं। कालीन के लिए लाई गई रंग बिरंगी ऊन के लंबे पोल खोलकर छोटे हिस्से बना लिए जाते हैं ताकि काम करने में सुविधा हो। इन्हें कबली कहा जाता है। हैंड नॉटेड पर्शियन कारपेट के ताने के लिए यान को गोलाकार में लपेटते हैं, जिसे ढिमोरा कहते हैं। अब तागे को चाहिए एक खड्डी, किंतु पहले ताने को तैयार होना पड़ता है। इसके लिए लोहे के दो मोटे सरिया, जिसे रंबा कहते हैं, उसको लंबाई के हिसाब से जमीन पे गाड़ दिया जाता है। तागे को एक से दूसरे तक ले जाकर बल देकर वापस घुमा लिया जाता है। यह बल एक ही ओर दिया जाता है। इसका कसाव बना रहे इसलिए एक पतला सरिया पहले सरिये से एक फुट की दूरी पर लगाया जाता है, जिससे ताने में दम अर्थात शेडिंग संभव होता है। तागे को इस पतले सलिये के पास क्रॉस किया जाता है, फिर दो दो ताना बांधकर चुने जाते हैं ताकि ताने एक दूसरे पर चढ़े नहीं और अपनी जगह पर बने रहें। यह प्रक्रिया पूरा होने के बाद ताने को जमीन पर बिछाकर गैपिंग करते हैं, यानी ताने के फासले समान हो, इसलिए 20 की गिनती में बुनकर गिन गिन कर गैप बनाता है। 1-20, 2-20, 3-20, 4-20, यानी 100। यहाँ क्वालिटी के हिसाब से ताने में आपस की दूरी तय की जाती है। ताने को अब खड्डी पर खड़ी कर दी जाती है। फिर बुनाई करने की तरफ से ऊपर लकड़ी का गुल्ला डाला जाता है। इस गुल्ले को 3-4 जगह से बांध दिया जाता है। गुल्ले पर बुनाई की ओर से कॉटन यान के धागे से विषम अंकों के ताने यानी 1, 3, 5, 7, 9 को फंदा दिया जाता है। फिर दूसरा गुल्ला भी बुनाई की तरफ से डालकर 2, 4, 6, 8, 10 यानी सम अंकों वाले तानों को फंदा दिया जाता है, जिससे कि ताने में दम बना रहे। इसलिए
इसमें दो गुत्थियों का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ताने को आगे पीछे किया जा सके, इसके लिए लकड़ी की कमानी लगाई जाती है। हर ताने को गांचकर जंजीर तैयार की जाती है। यह जंजीर ताने को जकड़ती है और इसके ऊपर घूमती है खती। इसमें कॉटन यार्न को एक ताने के आगे से, फिर एक ताने के पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक के पीछे से, एक के आगे से, यह सिलसिला आधे इंच की चौड़ाई तक चलता है। 1, 3, 5, 7, 9 आगे आए तो 2, 4, 6, 8, 10 गए पीछे। अब ताना कसकर बुनाई के लिए तैयार हो गया। कबली में लटकी ऊन से एक एक टपका लगाने की शुरुआत होती है। कबली के तागों से ताने के तागों को गढ़ा जाता है। आगे के ताने के सामने से होकर, पीछे के तागे के भी सामने से होकर, फिर पीछे को घूमकर तागा आगे आता है और तात्कालिक ही छुरे से टपके की कटिंग की जाती है और फिर अगला टपका बनता है। पुनः कटिंग और फिर अगला टपका बनता है। बनना, काटना यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक एक कतार पूरी नहीं हो जाती है। फिर ठर्री आर पार घूमती है। पंजे से ठुकाई की जाती है। उसके बाद कमाना नीचे खींच देते हैं। ठर्री के समान लच्छी को आर पार ले जाते हैं। पुनः पंजे से ठुकाई होती है और कमाने को उठा दिया जाता है। नए टपके बनने लगते हैं। फिर टपका, फिर काटना, फिर कतार पूरी होने पर पंजे से ठुकाई, ठर्री का आर पार जाना, कमाने का गिरना, लच्छी का जाना आर पार, फिर पंजे से ठुकाई, कमान का गिरना, सब अनगिनत बार जब तक ताना नहीं भर जाता। पंजा ठर्री कमाना लच्छी कमाना टपका, पंजा ठर्री कमाना लच्छी कमाना टपका। कबली पर लगे रंग के धागे धीरे धीरे डिजाइन के अनुसार कालीन का हिस्सा बनते जाते हैं। बुनाई पूरा होने के बाद ऊपर फिर बनती है खती और जंजीर। थोड़ी सी जगह छोड़कर ताने को काटकर इसे उतार लिया जाता है। कालीन को पलटकर नीचे की तरफ से निकले हुए रेशों को जला दिया जाता है। सिर्फ सोना ही नहीं तपाया जाता, लपट सहे बिना तो कालीन भी अपनी खूबसूरती नहीं पा सकती। अब देखते हैं तिब्बती या नेपाली कालीन किस तरह तैयार होता है। पर्शियन कारपेट की तरह ही इसमें भी यार्न खोले जाते हैं, किंतु यहाँ ठर्री की जगह खोपिंग तैयार की जाती है। इसमें खास आकार की लकड़ी पर यार्न लपेटा जाता है और ढिमोरा के स्थान पर गोले बनाया जाता है। यहाँ ताना डिजाइन के मुताबिक पहले से सुनिश्चित फ्रेम पर लपेटा जाता है। डिजाइन को सामने रखकर टिबेटियन या नेपाली कालीन के लिए खड्डी तैयार की जा रही है। कॉटन या जूट के इस धागे को ऊपर खींचकर वापस नीचे घुमाया जाता है। ताना मजबूत और कसा हुआ रहे, इसलिए नीचे लोहे का सरिया रखा जाता है जो गांठों के कसाव को जकड़ लेते हैं। लो, ताना तैयार हुआ। अब ताने के लिए बनाना है आधार। सरिया से थोड़ा ऊपर हर ताने पर कस्ता फंदा गूंथता है और बनती है जंजीर और उसके बाद बनती है खती। अब कस गया जब ताना, बुनाई करेगा बाना। आगे से जाकर, पीछे से घूमकर, सरिये पर लिपटकर, सरिये पर ऐसे बनता है एक टपका। इसी तरह अंग्रेजी के एस की आकार में आगे से पीछे आते हुए, आगे और पीछे दोनों तानों को साथ बुनते हुए भरते जाते हैं टपके, एक के बाद एक।
लकड़ी के हथौड़े से इसे और नीचे लाकर बराबर किया जाता है। लाइन पूरी हुई, फिर छुरी से काट दिया जाता है। अब कट पाइल तैयार हो गई है। फिर फाल्टे को घुमाया जाता है। इसके बाद होती है खोपिंग, यानी बाने को आर पार ले जाना। फिर इस तागे को पंजे से अच्छी तरह बिठा दिया जाता है। इसी क्रम में दूसरी पाइल तैयार होती है, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी। इसी तरह ताने पर भरता है बाना और बाना से कसता ताना। इसमें रंग रंग के तागों का आना और रंग रंग के तागों का जाना। इसी तरह आना जाना, कसना कसाना, ऊन और हाथ का खेल खिलाना, दिन पे दिन यू पहर पहर चलना, फिर कहाँ रह जाए ताना बाना। करते करते भरते भरते कालीन जब पूरा हो गया तो उसके ऊपरी छोरे पर भी खती और फिर आखिरी जाली बना दी जाती है। उसके बाद उसे काट कर खड्डी से उतार लिया जाता है। यही डीलूमिंग की प्रक्रिया है। बुनाई तो पूरी हो गई, किंतु कालीन को तैयार नहीं कहा जा सकता। प्रारंभिक डिजाइन से मिलाए जाने या चेकिंग के बाद पर्शियन व तिब्बतन कालीन की जमकर धुलाई होती है। पहले ब्लीचिंग से या कॉस्टिक सोडा से, उसके बाद 6-7 घंटों के बाद सादे पानी के साथ। सूखने के लिए इन्हें खेतों में फैला दिया जाता है। टफ्टेड कालीन के लिए लोहे का एक सादा फ्रेम जिस पर कील बने रहते हैं उसको काम में लाया जाता है। मैटी के निटेड कपड़े को खींचकर कीलों पे कस दिया जाता है। इसी कपड़े पर कालीन के डिजाइन की छपाई की जाती है। उसके बाद लोहे के गन से भरा जाता है। सुई वाली गन से तौलिए की बूट जैसी लूप वाली भराई होती है। कैंची वाली गन से कटे हुए पाइल की शक्ल उभरती है, जो कुछ कुछ ब्रशनुमा लगती है। टफ्टेड का सारा काम पीछे की ओर से किया जाता है, जबकि हैंड नोटेड पर्शियन कालीन में सारा काम सामने से किया जाता है। पर अभी कालीन तैयार नहीं है, इस पर और काम बाकी है। धुलाई से आने के बाद इसकी लेटेक्सिंग की जाती है, ताकि धागे और टपके खुले नहीं। जालीनुमा महीन कपड़े को बिछाकर उस पर लेटेक्स फैला दिया जाता है। सूखने के बाद एक और बार, फिर भी लंबे समय तक लेटेक्स टिक नहीं पाता और इसलिए टफ्टेड कालीन की उम्र कम होती है। सूखने के बाद चारों तरफ जो कपड़ा अनावश्यक होता है उसे भीतर की तरफ मोड़कर चिपका दिया जाता है। इसके बाद लेटेक्स की परत पर एक सुंदर और कालीन से मेल खाता हुआ मोटा कपड़ा चिपका दिया जाता है। भले ही कालीन तैयार लग रहा हो, कालीन की जांच होना शेष है। उसकी मजबूती, घर्षण व आग एवं दबाव वहन करने की क्षमताओं को आंका जाता है। विदेशी खरीददार गुणवत्ता के प्रति बहुत सचेत हैं, इसलिए इसके एक एक पहलू की बारीकी से जांच करना अति आवश्यक है। अब कालीन की खूबसूरती को निखारा जाएगा। पहले क्लिपिंग द्वारा फालतू रोयों को घिस घिस कर निकाला जाता है।
फिर एम्बोसिंग होती है जिसमें डिजाइन की रेखाओं के साथ साथ कटिंग की जाती है जिससे डिजाइन और उभर सके। सुज्जे द्वारा रंग के साथ मिलते धागे से कालीन की चारों तरफ से बाइंडिंग की जाती है। टिबेटियन व पर्शियन कालीन को सुई से दो तरफ बाइंडिंग होती है किंतु टफ्टेड के पीछे से ही बाइंडिंग होती है। आजकल देखने में आता है कालीन निर्माता अपनी ओर से कालीन को नए नए व अनूठे ढंगों से सुसज्जित करते हैं ताकि वे और आकर्षक लगे। टपकों की कंघी होती है, कहीं जगह छूट गई तो सुई से मरम्मत होती है। इसके बाद गच्छाई और फिर जंजीर को और कस दिया जाता है ताकि वह और सुंदर लगे। झालर को गांठ देते हैं, उसे काटकर समान किया जाता है। इस मेहनत की कोई तुलना नहीं। कारीगर संतुष्ट हुआ तो अब कालीन बाजार के लिए तैयार है। प्लास्टिक पर इसे बिछाकर लपेटा जाता है और फिर इसके ऊपर टाट से अच्छी तरह से लपेटकर सिल दिया जाता है। बनते हैं बंडल एक के बाद एक, जाने को देश विदेश। अब बाजार की राह देख रहा है कालीन, कौन इन्हें ले जाएगा, किसके घर बढ़ेगी इससे शान। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कौन सा कालीन कब खरीद लिया जाएगा, किसे बहुत देखा टटोला जाएगा फिर खरीदा जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता। पर इतना तो जरूर है कि कालीन दस्तकारी की अनुपम कृति है। इसमें कला भी है और तकनीकी भी, मेहनत और भावना भी, पुराने और नए की बेजोड़ मिसाल जो परंपरा और प्रयोग से छन कर निकला है, जो मशीन के बटन की करामत नहीं बल्कि उंगलियों का कमाल है, जिसके बनाए जाने में ही मानव का स्वाभिमान, आत्मविश्वास और संभावना झलकती है। इसलिए आज नहीं तो कल यंत्रीकरण से हताश उदासीन व्यक्ति का चुनाव इसी ओर निश्चित है। Thank you.